बच्चों, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करें ट्रिक से, एक लाइन का सेंटेंस है, इसको याद कर लेंगे तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद हमेशा याद रहेगा। ट्रिक यह है, उसका निकास शनि है। इस ट्रिक को याद कर लेंगे, इसमें तीन शब्द है, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद आसानी से आप दिमाग में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत मस्त ट्रिक है प्यारे बच्चों। देखेंगे आप लोग जो है, ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है, स से हो जाएगा सभापति, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, या आर्टिकल 64 में दिया गया है 64 में। का से हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है 65 में दिया गया है। और देखेंगे नी से हो जाएगा आप लोग का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग मतदान करते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, यह आर्टिकल 66 में दिया गया, 66 में दिया गया है। और का से हो जाएगा प्यारे बच्चों, का से कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह आर्टिकल 67 में दिया गया है। और स से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर समय से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, यह बात जो है 68 में दिया गया है। और बड़ा स से हो जाएगा शपथ, स से शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख 69 में 69 में दिया गया है। और नी से हो जाएगा प्यारे बच्चों निर्वहन, आकस्मिक कार्यों का निर्वहन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 70 में दिया गया है। इस तरह देखेंगे उसका निकास शनि है, इस ट्रिक से जो है उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसे उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति का पद, क से कार्यकाल का राष्ट्रपति, नी से निर्वाचन, और का से कार्यकाल, स से समय से उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना, स से शपथ, और नी से निर्वहन। जय हिंद।